गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज कमल। वेलकम टू बेस्ट इंफॉर्मेशन इंग्लिश ग्रुप एंड डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन में आप सभी के लिए एक बार फिर से कमल। आज हम लोग पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने गुर्जर के प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हम लोगों ने चालुक्य वंश को ख़त्म किया था और जितने भी पहले के टॉपिक हैं एंशियंट हिस्ट्री में वो सारे हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। और आगे जितने भी हैं सेन वंश, लोहार वंश और चौहान वंश, परमार वंश, जितने भी हैं सारों को एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, पाल वंश का जो सबसे पहला शासक है वो गोपाल है, 750 से 770 ईस्वी। ठीक है, आज तक मतलब अभी तक जिस वंश के बारे में हमने पढ़ाया है आप लोगों को, वो सारे वंश में या तो किसी ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी अपनाया था या तो अपने भाई की हत्या करके गद्दी अपनाया था, मतलब कुल मिला जुला के उसमें बिना लड़ाई किए हुए कोई भी अपना सत्ता कायम नहीं किया था। लेकिन जो पाल वंश है इसके बारे में कुछ अलग है। यहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने अपने मर्जी से गोपाल को चुना था राजा के रूप में। उस समय जो स्थिति वहां पर मौजूद थी उसी को कहा जाता है मत्स्य न्याय, है ना। मत्स्य न्याय का मतलब शब्द प्रयोग किया गया है और उसमें उसकी उसी को न्याय के लिए गोपाल को चुना गया है, उसी को मत्स्य न्याय कहा जाता है। ठीक है, तो ये गोपाल की बात हो गई। तो गोपाल ने एक काम किया था, ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। कौन बताता है ये, तिब्बत के एक लेखक हैं तारानाथ, है ना। तारानाथ एक तिब्बती लेखक है, वो बताते हैं कि गोपाल जो था ये उदंतपुरी में मठ का निर्माण करवाया था। और ये किस धर्म का फॉलोअर था, तो ये बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र धर्मपाल आता है गद्दी पे। ठीक है, तो जब धर्मपाल गद्दी पे आता है, इसकी एक उपाधि है परम सौगात धर्मपाल का। ठीक है, धर्म परम सौगात इसकी उपाधि है। और चलिए कुछ इसके बारे में दो तीन चार बातें जान लेते हैं हम लोग। तो धर्मपाल जो है ये सबसे पहले की विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था और दूसरा ये सोमपुरी विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तीसरा इसने इसने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिए थे। ठीक है, ये दो तीन चीज हो गए। तीसरा चीज, इसको 11वीं शताब्दी का एक कवि है, गुजरात के कवि हैं सोडल, उसने देव धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा है। कौन कहा है, तो सोडल ने 11वीं शताब्दी में उत्तरापथ का स्वामी कहा है धर्मपाल को, ये गुजराती कवि हैं। ठीक है, सोडल। इसके बाद हरिभद्र एक लेखक है, वो भी इसी के दरबार में रहते थे। ठीक है, इसके बाद में जो धर्मपाल है ये गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्स राज से
हार गया था, मतलब उसमें युद्ध हुआ था वत्सराज और धर्मपाल से, तो धर्मपाल हार गया था। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था ध्रुव, उससे भी धर्मपाल हार गया था। ये दो लोगों से हार गया था, लेकिन कन्नौज पर फिर भी अपना अधिकार कर लिया था। और बहुत सारे राजाओं ने इसके उत्सव में भाग लिया था, जैसे पंजाब के राजाओं ने और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के राजाओं ने, और भी बहुत सारे लोग इसके समारोह में शामिल हुए थे। ठीक है, तो इतना बात आप लोग को याद रखना है धर्मपाल के बारे में। इसका उत्तराधिकारी जो होता है वो होता है देवपाल। देवपाल को पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है देवपाल को। देवपाल भी परम सौगात का उपाधि धारण करता था। ठीक है, देवपाल भी परम सौगात का उपाधि धारण करता था। इसके अलावा एक बादल स्तंभ लेख है ना, बादल स्तंभ लेख में बताया गया है कि देवपाल जो था, ये जो देवपाल था ये किसका, हूणों का घमंड चूर किया और द्रविड़ और प्रतिहार दोनों का भी घमंड चूर किया, और एक था उत्कल, हाँ उत्कलों का भी इसने नाश किया, मतलब उत्कल को भी हराया और हूणों को भी हराया और द्रविड़ मतलब दक्षिण के राजाओं को भी हराया, और द्रविड़ और क्या क्या बोले हैं, सॉरी द्रविड़ और हूण और उत्कल और प्रतिहार, यस गुर्जर प्रतिहार वंश को भी हराया था। कौन? तो देवपाल। ठीक है, देवपाल ने इतने लोगों को हराया था। देवपाल जो था ये जावा सुमात्रा के शासन चलता था, शैलेंद्र, शैलेंद्री वंश या शैलेंद्र वंश। ठीक है, शैलेंद्र वंश का जब शासन चलता था वहां पे जावा सुमात्रा में, तो देवपाल ने 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, तो देवपाल के बारे में इतना ठीक है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है विग्रहपाल, लेकिन वो गद्दी पर नहीं बैठता है, संन्यास धारण करके चला जाता है अपने पुत्र नारायण पाल को गद्दी सौंप के। तो अगला शासक जो रहता है वो नारायण पाल। नारायण पाल जो था, ये बाकी जो राजाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा वो सब बौद्ध धर्म से संबंधित थे, लेकिन नारायण पाल जो था ये शैव धर्म से संबंधित था, क्योंकि इसने शैव धर्म के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया था, शैव मंदिरों का 1000 निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही। उसके बाद अगला जो शासक रहता है वो रहता है महीपाल। महीपाल को भी बहुत मतलब दूसरा संस्थापक बताया गया है कि महीपाल ने, दूसरा जो संस्थापक है वो महीपाल को माना जा सकता है, क्योंकि उसने भी बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे राजेंद्र चोल, उनसे महिपाल हार गए थे। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो लोग तो बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि 1200 द्वीपों पे उन्होंने
अधिकार किया हुआ था, तो ये बहुत अच्छा काम किया था महिपाल ने। राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्र तृतीय को हराया था। इसके अलावा इसी के शासन काल में अतीश अतीश जो थे वो तिब्बत अपना दूत मंडली भेजा था, अतीश, ठीक है, अतीश को तिब्बत में भेजा था। इसके अलावा धर्म नहीं दीपांकर, और दीपांकर एक बौद्ध भिक्षुक हैं, इन्हीं के दरबार में रहते थे। और अगला जो शासक रहता है वो रहता है रामपाल। तो रामपाल के बारे में नंदीवर्धन संध्याकर नंदिन, है ना, संध्याकर नंदिन ने एक ग्रंथ लिखा है रामचरितपाल, उसमें बताया गया है। और उसमें बताया गया है कि ये अंतिम पालवंश का राजा था रामपाल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये ऑडियो अच्छा लगेगा। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कोई भी ऑडियो मैसेज के द्वारा कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चनों का आंसर किया जाएगा। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।